धान सब छोपने के लिए थोड़ा बहुत छोपे, फिर पापा वहाँ से भेज दिए। उसे रोज से लग रहा है कि क्या हो गया, पोछा वगैरह सब भी अभी तक नहीं लगाए। हिम्मत ही नहीं होता दोस्तों कोई चीज करने का। दिल खुला हो जाएगा ना, बीक नहीं भरा रहेगा, इनका शरीर तुरंत फैल जाएगा एक महीने के अंदर गारंटी के साथ। दोस्त इतना गुस्सा करेंगे, काहे लेट हुआ, क्यों हो, अब उसका हम जवाब देंगे, लेकिन फिर भी बोलेंगे। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। तो दोस्तों सुबह सुबह प्यार भरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। जो ब्लॉग था, जो मतलब बनाए थे, नहीं डाल पाए थे, वही कल डाले, और भी हम नहीं डाले दोस्तों वीडियो का, जो है मतलब एक बार भी बिस्तर पे से नहीं जगे हम, मतलब शाम में 3 बजे लमसम में जगे, तो थोड़ा सा मतलब गए फ्रेश सब हुए, और मतलब मम्मी सब नहीं थे घर में कोई, तो जाके हम गए सबको कुट्टी सानी मतलब दिए, भूसा सब और घूरा वगैरह जो होता है धुआँ सब वो सब किए, तब जाके डॉक्टर सब डॉक्टर जी आए तो इंजेक्शन दिए हमको भी उसको भी। पता नहीं दोस्तों क्या हो गया घर में सबका, एक मतलब एक तरफ से सबका तबीयत खराब हो गया। पहले पापा का हुआ, पापा का तबीयत थोड़ा ठीक हुआ, मम्मी का भी कल पूरा मुँह तो फूल गया है, उसका भी तबीयत खराब हो गया, और हम दोनों का भी, चार परिवार तो दोस्तों हम लोग हैं ही घर में, और चारों का एक तरफ से तबीयत खराब। पता नहीं, समझ में नहीं आता दोस्तों कौन क्या काम करेंगे नहीं करेंगे। कल सही ढंग से खाना भी नहीं बना, हम तो जगबे नहीं किए दोस्तों, तो हम क्या बनाएंगे, मम्मी बनाए हम तो खाएबो नहीं कि कल भर दिन रात में एक ही बार खाए, बहुत टेंशन होता है दोस्तों। और काम करने वाले कोई नहीं है, और आंगन सब देखिए आज एकदम ही, कल परसों से भरे थे आंगन सब सब्जी, चार दीदी बड़ी वाली दीदी यानी जेठानी जी वही बहरे, और अभी तक घर सब जो है ना दोस्तों ऐसे ही है, पूरा बासी ही है, अभी तक नहीं बहरे देख सकते हैं, और बिस्तर सब भी ऐसे, और वो भी अभी जस्ट सोए थे, और सो के अभी जाके गए थोड़ा सा द्वार पे टहलने के लिए, हम भी जगे, और अभी किरण पूरा उग गया दोस्तों, नहीं तो इतना में मेरा सब काम हो जाता था, और अभी तक तो कोई भी काम नहीं हुआ है, सब घर ऐसे ही बासी पड़ा हुआ है। और देखिए कल तबीयत खराब होने के कारण ये सब धान जो है ऐसे ही पड़ा है आंगन में, मतलब कोई नहीं सके नहीं लग रहा था, और मतलब क्या करते, तब पर भी कल थोड़ा सा जगे तो बहुत के देखे दोस्तों, उधर पोछा वगैरह सब भी अभी तक नहीं लगाए, हिम्मत ही नहीं होता दोस्तों कोई चीज़ करने का, क्योंकि बर्तन सब ऐसे पड़ा हुआ है, हर एक चीज देख सकते हैं आप लोग, क्या करेंगे सब। ऐसे तो बहुत दूरों से बहुत ज़्यादा काम किए, खेत भी गए थे धान सब छोपने के लिए, थोड़ा बहुत छोपे, फिर पापा वहाँ से भेज दिए। उसी रोज से लग रहा है कि क्या हो गया, परसों से ही आए, परसों भी रात में नहीं खाना बना पाए, कल भर दिन तो सोए ही रह गए दोस्तों। हम लोग का दिन कैसे चलेगा समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें क्या नहीं, और अभी जा रहे हैं द्वार पे, देखते हैं क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हैं, और हम कैसे घर भरेंगे अभी दोस्तों, नहीं कि हमको कर देगा काम सब। देखिए ऐसे पूछा सब है, पूरा बोलने का भी मन नहीं कर रहा है दोस्तों, बोलने का भी नहीं, यही लग रहा है बैठ जाए। देखिए दे पूरा काट काट हो गया है पूरा, ठंड भी लग रहा है, और इधर मन नहीं कर रहा है कोई भी चीज़ करने का, आप लोग फेस ये देख के बता सकते हैं दोस्तों। ऐसे तो कितना आदमी बोलते हैं कि नौटंकी करती है, ऐसे कोई बात नहीं है दोस्तों। कल भी शायद बोले थे कोई मिलने के लिए आए थे, हम वो भी नहीं, हमको पता है कि कौन आए थे मिलने के लिए, नहीं आए थे ये जगह थे, तो ये थोड़ा सा ये तो बहुत मतलब बुखार सब भी लगता है ना, तो बहुत छुपा लेते हैं, लेकिन हम भी छुपाने का बहुत कोशिश करते हैं, छुपता ही नहीं है, तुरंत पछाड़ देते हैं। कल तबीयत भी मतलब ऐसे पूरा माथा सब घूर रहा था, तब पर भी कल सुबह में सब काम किए, ये सोए रह गए, इसको नहीं जगाए, आंगन सब पोछा बर्तन गाय का गोबर सब सब चीज़ उठाए, गोबर उठा के करौनी पाले, हर एक चीज़ किए, लेकिन आज कोई भी चीज़ नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों आप लोग बने रहिए इसी तरह, जा रहे कृष्णो करके हम झाड़ू पोछा लगाते हैं, क्या करेंगे अब, तो बने रहिए, अभी कृष्णो करके लगाएंगे तो आप लोग को दिखाते हैं। तो दोस्तों देखिए अभी हम जगे हैं, और मुंह तू धो के आए हैं, देख सकते हैं उधर जो है
आरती जी बोली थी कि मतलब हम झाड़ू लगाएंगे, तो फिलहाल देखिए इधर अंदर में इधर जो है लाइट कम है थोड़ा, इधर ही छोटा सा लाइट है, है? तो लाइट हाथ काम नहीं कर रहा है, हाथ इसलिए काम नहीं कर रहा है दोस्तों, इनका तो तबीयत वैसे खराब है और ठंड है अभी भी, इसका रुआ देखते हैं कांटे कांट हो जाएगा, है ना। तो फिलहाल दिखाते हैं बैक कैमरा करके, है ना। तो देखिए दोस्तों अभी जो झाड़ू लगा रही है, झाड़ू लगाते लगाते इनको इनका कोई गारंटी ना है कब तबीयत खराब होगा कब ना होगा, हमको आश्चर्य लगता है इनका तबीयत का दोस्तों, आश्चर्य तो आप लोगों को भी लगता होगा कि मतलब कैसे तबीयत खराब हो जाता है दो दिन चार दिन पे ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक पेशेंट की तरह ये सिर्फ दवाई से जो है ना, दवाई से जिंदा है मेरे वजह से। तो दोस्तों क्या बताएंगे, इसमें जो है ना बीक भरा है, बीक के कारण जो है ना ये तबीयत खराब होता है, बीक के कारण ये मोटाती भी ना है ना दोस्तों, इंसल्ट की बात नहीं है, जो सच्चाई है रियलिटी है। मान लो थोड़ा सा भी कोई बात होता है कैसे चिढ़ जाती हो, ऐसे ऐसे बोलने लगते हो, हाँ गुस्सा जाती जल्दी। तो बट यही कहते हैं दोस्तों कि मन्नू की तरह दिल खुला रखो, जैसे मन्नू मोटा है ना तो हल्का फल्का तुम भी मोटा हो जाओगे। बट तो जिस तरह मन्नू का दिल खुला है आप लोग जानवे करते हैं, तो दोस्तों उसी तरह अगर ये भी दिल खुला हो जाएगा ना, बीक नहीं भरा रहेगा, इनका शरीर तुरंत फैल जाएगा एक महीने के अंदर गारंटी के साथ दोस्तों, हम वादा करते हैं। लेकिन जो है क्या करेंगे, थोड़ा सा भी कोई बात होता है, चाहे हम कहीं गए थोड़ा सा भी लेट हो गए, इतना गुस्सा करेंगे काहे लेट हुआ क्यों हो, अब उसका हम जवाब देंगे लेकिन फिर भी बोलेंगे काहे काहे, बस इसी जवाब का इसका ख़त्म नहीं होता है, इसी जवाब पे लड़ाई शुरू हो जाता है हम दोनों में, काहे क्यों, इन दुहियों को जवाब इनका निकलता ज़्यादा। हाँ हम कितनों भी बोलेंगे ना तो बोलेगा ना काहे। तो चलिए दोस्तों फिलहाल देखिए झाड़ू लगा रही है, और कैसे करके झाड़ू लगा रही है दोस्तों, बहुत मजबूरी में, यकी मम्मी करती झाड़ू लगाते हैं समझे, लेकिन दोस्तों जो है उनका मम्मी का भी मुंह तो खुला हुआ है, इसी के कारण मम्मी अभी आज थोड़ा रेस्ट में इनको दिए हैं, ये तो कल पूरा दिन रेस्ट में है ना, इसलिए आज इससे कम करा रहे हैं। और देखिए इधर पप्पा जी, पप्पा जी इधर देखिए, मम्मी बोले पानी गर्म करने के लिए, तो मम्मी पप्पा पानी गर्म कर रहे हैं दोस्तों, बुरा मत मानिएगा कि ऐसे पप्पा ले गया ये वो काम करा रहे हैं, क्या करेंगे आपको मजबूरी बता देते हैं, आरती जी का तबीयत खराब है और कैसनों करके जगाए ना पप्पा, इसी कारण पप्पा जो अपने से पानी गर्म करके, मम्मी का भी मुंह तो फुला हुआ है दोस्तों इसीलिए पानी करके दे रहे हैं। और आप लोगों को विश्वास ना होगा कि हम ऐसे वीडियो सिर्फ बना लेते हैं चल फिर के, तो अच्छा कल पूरा दिन सोए हैं और शाम को डॉक्टर आए आप लोग देखवे किए, और शक नहीं लगता है दोस्तों शरीर में, मतलब यानी कि देखिए वैसे ठीक थे कल परसों ठीक थे, सबसे ज्यादा टेंशन जो है ना टेंशन लेता है इसलिए तबीयत खराब रहता है। नहीं नहीं टेंशन भी लेते हैं बट जो है हो जाता है ना थोड़ा बहुत, किसी के भी घर में ना होता है, तो उसी के कारण दोस्तों ये सब हाल हो जाता है। और अब आप देखिए मेरा शरीर किस तरह हटा कटा, शक इसलिए नहीं लगता, बुखार जो दो दिन लगता रहे रह गया ना तो उस शरीर को तोड़ दिया दोस्तों, और हम जो है बुखार को पूरा पचा लिए थे, दवाई तवाई नहीं ले रहे थे, जब नहीं रहा गया कल तब जाके हम भी थोड़ा बेहोश हो गए, आरती जी भी तो थी ही, तब जाके कल डॉक्टर को बुलाए इंजेक्शन लगाए, दो को इंजेक्शन लगाए लगता रहे, उसके बाद दवाई सब दिए, तो आज भी आएंगे डॉक्टर है ना दोस्तों, आप लोगों को दिखाएंगे, फिलहाल देख सकते हैं गर्म कर रहे हैं, और अभी हम जा रहे हैं, तो जा रहे हैं देखते हैं आरती जी अभी कहाँ तक गए हैं झाड़ू मार के, ये भी बेचारी मजबूरी में कर रही है, देखिए इधर है घर में, यानी कि दो तीन को घर उधर हो गया है और बस ये लास्ट घर बचा है झाड़ू मारने के लिए, है ना आरती, यही तो घर बचा है ना, चलो भगवान करे ठीक। अभी ये सोई थी दोस्तों, इसको हम जगाए हैं तब आप लोगों से बात किया सुबह सुबह वीडियो बना के, नहीं तो नहीं मतलब हम लोग वीडियो बना पाते आज भी, लेकिन क्या करें जबरियन तो कुछ करना पड़ेगा ना दोस्तों, इसी कारण जो है ये सब करना पड़ रहा है। ये देखिए चूहा मर गया, तब ना महक रहा था घरे में, चूहा मर गया हो हम तुझे क्या महक रहा है, एक बार देख
चूहा मर गया दोस्तों, इसी कारण जो है घर महक रहा था। हम लोग सोचे कि कोई तार तूर जल रहा है, लेकिन तार तूर तो जल नहीं रहा था, जल तो रहा था मूस। क्या हुआ, क्या हुआ, मथा में धा है, दिखो। छोड़ दो इस, कैसे भी करके इसको नीचे गिरा के छोड़ दो, आराम कर लो, छोड़ उठो। अब क्या करेंगे, मजबूरी में तो करना पड़ता, नहीं कोई नहीं है दोस्तों करने वाला, तो इसको करके बस अपना आराम करो, ठीक है। अब बाकी जैसे होगा तैसे करेंगे हम ये लोग करेंगे। चलो इसको गिरा दो फटाफट, भगवान। देखिए दोस्तों ऐसा पप्पा कैसे मिलेगा, पानी गर्म करके दे रहे हैं और दवाई के लिए फटका रहे हैं, तब जाके झाड़ू छोड़े हाथ से। नूनू गिलास लेते आओ, दवाई पियेंगे अभी। चलो आखिर आ गया पानी गर्म करके, अब कौन सा दवाई पीती हो, दवाई निकालो सब तो इधर सामने में, लाइन लगाओ दवाई का, राइट। और निकालो दवाई, कौन कौन है दोस्तों, हम आराम से बोल रहे हैं, आप लोग बताइए ऐसा ससुर कभी किसी को मिलेगा। ये सुन ले आरती जी, बात तो सही है, बात तो सही है, सही बात है ना, ऐसा मिलेगा कहीं, अरे घर ही ऐसा नहीं मिलेगा कहीं, ये बोलो कि। तो चलिए दोस्तों फिलहाल ये वीडियो को यहीं अंत करते हैं, और आप लोगों को तो पता चल गया है कि आवाज से मतलब कैसा है आवाज, और थोड़ा शरीर अभी भी डाउन है दोस्तों, आज भी डॉक्टर को बुलाएंगे, तो देखिए क्या होता है ना होता है। फिलहाल ये वीडियो को यहीं अंत करते हैं, जाते हैं आरती जी, तो भी थोड़ा बहुत झाड़ू लगाई, उसको भी चक्कर आ गया, माथा दर्द करने लगे, तो उनको जो है आराम करने के लिए बोलते हैं, और अभी हम जाते हैं, जो भी होगा मेरे से दोस्तों वो करेंगे, थोड़ा बहुत बच्चे है, छोटा सा बच्चा है, उनको भी ले लेते हैं, हम रहेंगे तभी करेंगे, बच्चे सब भी काम है ना। तो फिलहाल एक के को बच्चा है, बाकी सब गए हैं स्कूल गए हैं, तो जा रहे हैं हम करने के लिए, है ना। चलिए बने रहें, जो भी करते हैं हम आप लोगों को दिखाएंगे।